मनी स्टॉक्स जहां पर होती है खबरें, खबरों के चलते देखने को मिलता है एक्शन क्या होना चाहिए, आपका रिएक्शन ये बताएंगे अंशुल जी, खबर बताएंगे हम और निर्णय आप लेंगे कि खरीदें बेचें बने रहें, क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, वो विश्लेषण सुनने के बाद आप लोग निर्णय कीजिएगा। एक एक करके कंपनी पर नज़र डालते हैं। सबसे पहले लेकर आइए जरा यस बैंक। यस बैंक में बिल्कुल जो है आज धुआंधार तेजी देखने को मिल रही है और खबर यहाँ पर यह है कि बर्नस्टेन ने जो है कंपनी की रेटिंग और लक्ष्य दोनों में ही इजाफा किया है। आउट परफॉर्म रेटिंग के साथ यहाँ पर लक्ष्य बढ़ा करके अब कर दिया गया है 780 रुपये पर शेयर के भाव पर यहाँ पर कर दिया गया है। और आपको बता दें कि ये यस बैंक के ग्राफिक जरा एक बार लेकर के आइए, बात यस बैंक पर हो रही थी और उसको जरा लेकर के आइए स्क्रीन पर, उस पर जरा बातचीत करते हैं। यस बैंक पे बस स्टैंड का व्यू यहाँ पर क्या निकल के आया है, कंपनी की रेटिंग और जो है लक्ष्य में बढ़ोतरी देखने को मिली है। अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी मूडीज ने कंपनी की रेटिंग और लक्ष्य को बढ़ाया है और आपको बता दें कंपनी की रेटिंग स्टेबल से बढ़ा करके पॉजिटिव कर दी गई है। अगले 12 से 18 महीने में ये कहा गया है कंपनी के मुनाफे के अंदर जो है वो बढ़ोतरी की उम्मीद जताई गई है। मुनाफा बढ़ने पर कंपनी की रेटिंग में और ज़्यादा बढ़ोतरी मूडीज कर सकता है और इसी के चलते आज इस बैंक में काफ़ी पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल रहा है और शेयर में अंदर जो है 4.5% से ज़्यादा की मजबूती अभी आती हुई दिखाई दे रही है। सर, आपकी राय जानना चाहेंगे, क्या यस बैंक में जिस तरीके से माहौल बदलता हुआ दिखाई दे रहा है, अभी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए यस बैंक के अंदर? देखिए, यस बैंक को बाई करके चल सकते हैं। चार्ट्स पे काफी अच्छा लग रहा है, स्ट्रांग है और हमने अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड भी किया है। इसमें मोमेंटम थोड़ा सा फिलहाल के लिए मिसिंग है। मोमेंटम बनना स्टार्ट होगा 27.80 रुपए 28 रुपए के ऊपर। 28 रुपए निकलते से स्टॉक में 34 रुपए का इमीडिएट टारगेट बनेगा। ओवरऑल देखिए, स्टॉक में 49 रुपीज तक की मूव आती हुई दिख रही है। न्यूज भी पॉजिटिव आ रही है, केवल मोमेंटम मिसिंग है जो 27.80 28 रुपए के ऊपर आना स्टार्ट हो जाएगा। अगर है तो होल्ड कीजिए, नहीं है तो मैं कहूंगा 28 रुपए के ऊपर लीजिए ताकि लेने के बाद आपको वेट ना करना पड़े, फटाफट मोमेंटम मिल जाए। तो है तो होल्ड कीजिए, नहीं है तो 28 रुपए के ऊपर लीजिए। 34 रुपए के आसपास एक हल्का सा रेजिस्टेंस है, अगर रेजिस्टेंस रुकता है तो प्रॉफिट बुकिंग की सलाह रहेगी, लेकिन अगर उसको स्लाइस थ्रू कर जाता है वॉल्यूम के साथ तो 49 रुपीज तक ये स्टॉक ऊपर में आ सकता है जी। चलिए, तो ये राय निकल करके आती हुई यस बैंक पे। चलिए अगली कंपनी जो है लेकर के आते हैं और जरा शिपिंग कंपनियों के बारे में बातचीत कर लेते हैं। आज शिपिंग शेयरों में इस पर थोड़ा डिटेल में बातचीत करना चाहेंगे सर आपसे, क्योंकि जो है आज पूरे शिपिंग क्षेत्र के अंदर तेजी देखने को मिल रही है और बहुत सारे लोगों के सवाल भी इस पर आए हुए हैं, तो इसी के माध्यम से जरा हम बातचीत कर लेते हैं। बजट को लेकर काफ़ी उम्मीदें जहाँ पर जताई गई हैं और शिपिंग सेक्टर के लिए मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड का ऐलान बजट में हो सकता है, इस तरह की खबरें निकल करके आ रही हैं सूत्रों के हवाले से। और आपको बता दें कि मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड में 15 से 20 हज़ार करोड़ रुपए का ये फंड हो सकता है। इसके अलावा सरकार जो है हरित नौका स्कीम पर भी अपना फोकस बढ़ा सकती है। तो ये वो तमाम डेवलपमेंट हैं कि बजट के अंदर इस क्षेत्र को लेकर के बड़े ऐलान संभव है। इसी के चलते आज हम देख रहे हैं कि काफ़ी शानदार मूव जो है पूरे शिपिंग क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। जी शिपिंग 7%, कोचिन शिपयार्ड 3% के आसपास की तेजी देखने को मिल रही है। इसके अलावा शिपिंग कॉरपोरेशन में 19% की तेजी देखने को मिल रही है। मझगांव डॉक 2% ऊपर है, जीआरएससी 4% ऊपर है। सर, ये तो फहरिस्त लंबी है। श्रेयस शिपिंग में 17%, एसआर शिपिंग 16% की तेजी देखने को मिल रही है। शिपिंग सेक्टर को लेकर के आज काफ़ी शानदार मूव है और इसमें हम थोड़ा सा आपका अतिरिक्त समय चाहेंगे क्योंकि बहुत सारी कंपनियां जो है काफ़ी शानदार मूव दिखा रही हैं। अभी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए सर, खासतौर से जो शिपिंग कोचिन शिपयार्ड है उस पर पहले बातचीत करना चाहेंगे, उसके बाद से जीआरएससी में 5% की तेजी है उस पर भी बात करना चाहेंगे। कैसे देख रहे हैं इन दो कंपनियों को आप? देखिए, कोचिन शिपयार्ड हम अपने क्लाइंट्स को बाय रिकमेंड कर रहे हैं और लगभग सारी शिप बिल्डिंग कंपनीज हैं, सब में तेजी दिख रही है और चार्ट पे काफी स्ट्रांग स्ट्रक्चर है। कोचिन शिपयार्ड इन पर्टिकुलर हमने अपने क्लाइंट्स को बाय रिकमेंड किया है। एससीआई स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दे दूं, ये भी हमने अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड किया हुआ है। कोचिन शिपयार्ड में हमको लग रहा है कि ऊपर में 3000-3040 तक के टारगेट मिल सकते हैं। करंट मार्केट प्राइस पे जाएं तो बाई कर सकते हैं। 4 दिन की कंसोलिडेशन है, फ्लैगिश काइंड ऑफ एक्शन है। आज के सेशन में ब्रेकआउट दिया है लेकिन आई गेस ये स्टॉक अपर सर्किट लग चुका है तो इसमें आपको बाइंग का मौका नहीं मिलेगा। बट अगर कल सुबह के सेशन में 1-2% ऊपर खुलता है, बाइंग का मौका मिलता है तो आप बिल्कुल बाई करके चल सकते हैं। फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट है, 3000-3040 का इमीडिएट टारगेट दिख रहा है जी।
सर, शिपिंग कॉरपोरेशन पे एक और खबर भी है सर यहाँ पर, और खबर ये है कि सरकार जो है इसमें हिस्सा बेचने की तैयारी कर रही है, और DIPM की तरफ से बाकायदा इसको लेकर के काफ़ी बातचीत आगे बढ़ चुकी है और खाली PMO की मंजूरी मिलना बाकी है। शिपिंग कॉरपोरेशन में आज जो 20% की तेजी है, कैसे देख रहे हैं आप इसे सर, और क्या यहाँ से और ज़्यादा अपसाइड संभव है सर? विपुल जी, SCI शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर से स्टार्ट करूंगा। जी हमने अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड किया था 268 रुपीज में, आज सुबह टारगेट डन हुआ है। हमने प्रॉफिट बुकिंग की सलाह दी है, लेकिन स्टॉक में ऑलमोस्ट अपर सर्किट है बिल्कुल और यहाँ से अभी भी तेजी दिख रही है हमको स्टॉक में। नेक्स्ट राउंड ऑफ कंसोलिडेशन में वापिस से हम अपने क्लाइंट्स को बाय रिकमेंड करेंगे। 400 सवा 400 रुपए की अपसाइड दिख रही है। 22 हफ्ते का बेस ब्रेकआउट आज के सेशन में आया है, बड़े वॉल्यूम के साथ आया है। कम से कम 2 हफ्ते स्टॉक में रैली रहनी चाहिए, और अगर 2 हफ्ते स्टॉक में रैली रहती है तो ये बहुत आराम से 450 से 500 रुपए तक के लेवल्स दिखा सकता है। तो मैं कहूंगा कि आप 2 हफ्ते के लिए स्टॉक को होल्ड कीजिए, कोई टारगेट मत लीजिए, क्योंकि टारगेट लेने में दिक्कत ये होगी कि आप बुक कर लेंगे और हो सकता है ये उसको एक्सीड करते हुए निकल जाए। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ले लीजिए, जो भी हाई बनता है उससे 7-8% नीचे का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेके स्टॉक को 2 हफ्ते के लिए होल्ड कीजिए, काफी अच्छी अपसाइड मिल सकती है। हालांकि फिबोनाची एक्सटेंशन पे जो रेजिस्टेंस आ रहा है वो पहला 440 आ रहा है, एक 490 रुपए का आ रहा है, तो इन दो को आप पोटेंशियल टारगेट्स मान सकते हैं। बट मैं कहूंगा कि इतने बड़े और स्ट्रांग ब्रेकआउट पे टारगेट लगा के अपसाइड लिमिट नहीं करनी चाहिए, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेके पूरा प्ले आउट होने देना चाहिए। हो सकता है आपको और भी बड़े टारगेट्स मिल जाए, तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ स्टॉक को 2 वीक्स के लिए होल्ड करके देखना चाहिए कि कहाँ तक अपसाइड मिल सकती है। अपर सर्किट का जिक्र किया आपने सर, तो अपर सर्किट तो अब SR शिपिंग पे भी लग चुका है, ये क्या आपको यहाँ पर भी कोई संभावना दिखाई दे रही है क्या SR शिपिंग को लेकर के, क्योंकि अब पूरे शिपिंग में ही तेजी है, तो सबसे पसंदीदा दाव आप किस पर लगाना चाहेंगे जो आपने प्लान को देखिए रिकमेंड? जी देखिए, सबसे पसंदीदा काउंटर हमारा शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया था, इसलिए हमने अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड भी किया था। लेकिन सेकंड बेस्ट काउंटर अगर आप मुझसे पूछें तो थोड़ी जो स्मॉल कैप कंपनी है, 1166 करोड़ का मार्केट कैप है SR शिपिंग का, तो थोड़ा सा कॉशियसली हम अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड करते हैं। तो सेकंड बेस्ट काउंटर आप मुझसे पूछें तो मुझे फिलहाल के लिए SR शिपिंग लग रहा है। यहाँ पे कोल अंडर फ्लैग बना है, 129% स्टॉक ने रैली दी थी 11 दिन में, तो ये पोल बना था, उसके बाद से फ्लैग पैटर्न बन रहा है। इस फ्लैग को 16 दिन हो चुके हैं और आज के सेशन में ब्रेकआउट आया है। अगर इस स्टॉक में 20% का सर्किट होता तो प्रोबेबली 20% का भी सर्किट ये स्टॉक मार देता। यहाँ से आराम से 74 से 75 रुपए स्टॉक जाता हुआ दिख रहा है। कल के सेशन में अगर आपको बाई चांस ये स्टॉक मिल जाता है तो इमीडिएटली बाई करना चाहिए। स्टॉप लॉस आप 51 रुपीज का क्लोजिंग बेसिस पे लगा सकते हैं, 74 रुपीज का इमीडिएट टारगेट बनता हुआ दिख रहा है। चलिए, तो ये राय यहाँ पर निकल करके आती हुई दिखाई दे रही है, 6 महीने में 72% ये शेयर चल चुका है SR शिपिंग का। चलिए, तो ये सलाह यहाँ पर SR शिपिंग को लेकर के आती हुई, तो ये शिपिंग शेयरों पे आप नज़र बना करके रखिए, और जो शेयर आपको बताए गए हैं उन पे जहाँ मौका मिले तो आप खरीदारी करके चल सकते हैं। अभी लक्ष्य आपको बता दिए गए हैं तो निर्णय आपको करना होगा। आगे जरा चलते हैं और अगली कंपनी जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए। शिपिंग क्षेत्र पर बात हो गई, एक्सिस बैंक पर बात हो गई, अब जरा सीमेंट पर बात कर लेते हैं। और फिलहाल नोमुरा का मानना है कि अंबुजा सीमेंट में जान है। ब्रोकरेज फर्म नोमुरा ने शेयर को डबल अपग्रेड कर दिया है और शेयर की रेटिंग रिड्यूस से सीधे बढ़ा करके अब बाय कर दी है, तो डबल अपग्रेडेशन यहां पर देखने को मिला है। और लक्ष्य जो है वो 500 रुपये से बढ़ा करके 780 रुपये कर दिया गया है, और इसी के चलते आपको बता दें शेयर में काफ़ी अच्छी तेजी है। कारण क्या बताया गया है कि 2026 तक कंपनी की जो कुल क्षमता है वो बढ़ करके 106 मीट्रिक टन हो जाएगी, और वहीं कंपनी की जो लागत है वो 300 रुपये पर टन जो है वो घट सकती है, ऐसा नोमुरा का मानना है। और इसी उम्मीद के चलते कंपनी को यहाँ पर सीधे डबल अपग्रेड किया गया है, और डबल अपग्रेडेशन के चलते शेयर के अंदर अच्छी मजबूती अंबुजा सीमेंट में देखने को मिल रही है। सर, आज सीमेंट पैक पे थोड़ी सी मजबूती आती हुई दिखाई दे रही है, आप कैसे देख रहे हैं अंबुजा सीमेंट पे, और ये जो डबल अपग्रेडेशन हुआ है इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, सीमेंट स्टॉक्स में मुझे काफी अच्छी तेजी दिख रही है। ग्रासिम हो गया, अंबुजा हो गया, ACC हो गया, बेहतरीन स्ट्रक्चर ACC पे है। अंबुजा सीमेंट भी काफी तेज लग रहा है, यहाँ से लगभग लगभग 800 रुपए, 790 से 800 रुपए तक अपसाइड दिख सकती है, तो इस स्टॉक को बाई कर सकते हैं। बट हमारी फेवरेट पिक लार्ज कैप में अगर देखें तो ACC है, मिड कैप और स्मॉल कैप में देखें तो ओरिएंट सीमेंट और श्री दिग्विजय सीमेंट हमको पसंद आ रहा है, क्योंकि इनके चार्ट स्ट्रक्चर थोड़े से ज्यादा अच्छे हैं। जी
चलिए, तो ये राय निकल करके आती हुई, और चलिए जरा अगली कंपनी लेकर के आइए जरा स्क्रीन पर, और देखते हैं यहाँ पर क्या कुछ खबरें निकल करके आ रही हैं। और आपको बता दें कि यहाँ पर NMDC स्टील पे खबर है, और यहाँ पर आपको बता दें सरकार कंपनी में हिस्सेदारी बेच सकती है। ये वही खबर है जो हमने आपको शिपिंग कॉरपोरेशन के बारे में बताई थी कि बाकी शिपिंग के मुकाबले शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इसीलिए तेज़ी से भाग रहा है क्योंकि DIPM में DIPM ने कंपनी के अंदर रणनीतिक बिक्री की वो तैयारी में है। दो कंपनियां हैं, एक तो शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, दूसरा ये NMDC स्टील, और हिस्सा बेचने के लिए अब सिर्फ PMO की मंजूरी बाकी है, और जल्द ही इस पर जो है फैसला जो है वो हो सकता है। और इसी के चलते आज शेयर के अंदर हम देख रहे हैं कि अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही थी, और जब हमने खबर बनाई थी तो 6% ऊपर था, और अभी 5% से ज़्यादा की मजबूती NMDC स्टील के अंदर देखने को मिल रही है, अभी 60 के आसपास ट्रेड करता हुआ। सर, आपकी क्या सलाह रहेगी? जो है काफ़ी अच्छी मूव यहाँ पर, काफ़ी शानदार बढ़त देखने को मिल रही है आज अभी, या क्या यहाँ पर और भी पॉसिबिलिटी है अपसाइड की? देखिए, बिल्कुल अपसाइड आती हुई दिख रही है। 4 हफ्ते की इनसाइड बार थी जहां से ब्रेकआउट आया है, और करेंट वीक में 3 हफ्ते के लो के नीचे फेल लो भी बना है, तो वीक लॉन्ग शेक हो चुके हैं। अपसाइड में समय अराउंड 74-75 तक का इमीडिएट टारगेट बन सकता है, उसके ऊपर निकलता है तो टारगेट रिवाइज करेंगे, बट करंट मार्केट प्राइस से अगर बाई कर रहे हैं तो 74-75 की रेंज को टारगेट मान के चलना चाहिए। स्टॉप लॉस करंट वीक का लो रहेगा, 55 रुपीज का क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस ले लेना चाहिए। 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड है तो बेहतरीन ट्रेड बनेगा, करंट मार्केट प्राइस से बाई करके चल सकते हैं। जी चलिए, तो ये फिलहाल राय यहाँ पर हम निकल करके आती हुई। अब जरा सोना BLW लेकर के आइए जरा, और देखते हैं कि यहाँ पर क्या कुछ खबरें निकल करके आ रही हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि अब सोना BLW पे भी खबर ये है कि बर्नस्टेन ने कंपनी की रेटिंग और लक्ष्य दोनों में बढ़ोतरी यहाँ पर की है, और आउट परफॉर्म रेटिंग के साथ अब लक्ष्य को बढ़ा करके कर दिया गया है 780 रुपये। और सोना BLW में आज काफ़ी अच्छी बढ़त भी देखने को मिल रही है। कारण क्या बताया गया? कारण ये बताया गया कि FY 2026 तक बैटरी इलेक्ट्रिक वाहनों से कंपनी की आय जो है वो बढ़ करके 45% तक होने की उम्मीद है, और अभी कंपनी की बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल से जो कुल आय में हिस्सेदारी है वो 30% के आसपास, यानी 15% हिस्सेदारी बढ़ जाएगी कंपनी के शेयर में। जब हमने खबर बनाई थी तो करीब 6% से के आसपास की मजबूती जो है वो देखने को मिल रही थी, और अभी अगर हम नज़र डालें तो यहाँ पर जो है मजबूती अभी बनी हुई है 5% के आसपास की, 726 का लेवल देखने को मिल रहा है। सर, सोना BLW यहाँ पर बर्नस्टेन ने कंपनी की रेटिंग बढ़ाई है, आपकी सलाह क्या रहेगी? देखिए, इस स्टॉक में मंथली चार्ट पे देखें तो 33 महीने का IPO बेस ब्रेकआउट आ रहा है, और एक्सट्रीमली राइट साइड में डेली चार्ट पे देखें तो 80 दिन का कवेनेंटल पैटर्न का आज के सेशन में ब्रेकआउट आया है, तो स्टॉक में यहाँ से बहुत आराम से, देखिए ये PSU स्टॉक्स में जैसे ब्रेकआउट आए थे लगभग सिमिलर स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट आ रहा है, तो पहला टारगेट मैं दूंगा कि ये 4 डिजिट में आराम से जा सकता है, तो 1,000 रुपए का पहला टारगेट पकड़ना चाहिए, और 1,000 रुपए आने के बाद एक बार रिव्यू करना चाहिए कि वहां से प्रॉफिट बुकिंग आ रही है कि ये एक्सटेंड कर सकता है। तो फिलहाल के लिए अगर यहाँ पे बाई कर रहे हैं, जो करना भी चाहिए, तो टारगेट आपका 1,000 रुपए के आसपास का बनेगा। जी चलिए, तो ये राय यहाँ पर निकल करके आती हुई। चलिए, इसी में जरा फटाफट जरा कुछ एक नतीजे आए हैं उनको भी जरा स्क्रीन पर ले आइए, और कुछ नतीजे का इंतज़ार जो है वो बाजार कर रहा है उस पर भी जरा एक सरसरी निगाह डाल लेते हैं। जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए और देखते हैं यहाँ पर क्या रुझान देखने को मिल रहा है। डेल्टा कॉर्प के नतीजे जो है वो देखने को मिले हैं, हालांकि नतीजे कल के हैं, और यहाँ पर कंपनी की आय जो है वो 30% घटी है, मुनाफे में 68% की गिरावट है, और ये कल सुबह नतीजे आए थे, तो ये कल के ग्राफिक्स हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर क्या कुछ रहा है। टाटा एलेक्जी के नतीजे पर नज़र डाल लेते हैं। यहाँ पर कंपनी की आय में 2% का इजाफा देखने को मिला है, और प्रॉफिट करीब 197% के आसपास का की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है तिमाही दर तिमाही। वहीं अब आपको बता दें SG फिनसर्व के पहली तिमाही के जो नतीजे आए हैं उसमें 29% का इजाफा देखने को मिला है NII में, और अगर हम बात करें मुनाफे की तो इसमें 24% का इजाफा देखने को मिला है, 19.40 करोड़ रुपए SG फिनसर्व के नतीजे जो है वो निकल करके आते हुए दिखाई दिए। TCS में क्या कुछ अनुमान निकल करके आ रहा है? TCS के अनुमान ये है कि 1.5% की बढ़त यहाँ पर आय में देखने को मिल सकती है, वहीं मुनाफे में गिरावट देखने को मिल सकती है 3% के आसपास की। सर, TCS IT क्षेत्र से क्या कुछ उम्मीदें हैं अभी क्लाइंट्स के लिए, आप क्या IT सजेस्ट कर रहे हैं क्या, या फिर अभी अवॉइड ही करके चलना चाहिए? TCS से क्या उम्मीदें हैं? देखिए विपुल जी, इस समय अगर आप मुझसे पूछें कि कोई एक ही सेक्टर आप सजेस्ट कर सकते हैं तो मैं IT का नाम ले लूंगा। 17 महीने का बेस ब्रेकआउट था, और उसके बाद 3 महीने इसमें पुल बैक लेके जून के महीने में पुल बैक कंप्लीट किया और फ्रेश ब्रेकआउट दिया IT इंडेक्स ने। अगले 4 से 6 महीने IT इंडेक्स मुझे आउट परफॉर्म करता हुआ दिख रहा है। TCS में यहाँ से 300 से 400 रुपए की अपसाइड मिल सकती है।
मेरी जो एक्सपेक्ट जो हमारी टॉप पिक है वो साइंट और इन्फोसिस है। इन्फोसिस हमें 2,000 रुपए जाता हुआ दिख रहा है और साइंट हमें लगभग अपना ऑल टाइम हाई क्रॉस करके वहां से भी ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। तो हम ये दो स्टॉक रिकमेंड कर रहे हैं। टीसीएस छोड़ने की वजह ये है कि टीसीएस 4,042 रुपए के आसपास का शेयर है और इन्फोसिस 1,600 रुपए के आसपास का शेयर है। तो थोड़ा सा क्लाइंट जो है वो भाव देख के थोड़ा कम भाव वाला शेयर ज्यादा प्रेफर करते हैं, इसलिए हमने इन्फोसिस लिया है। बट टीसीएस का चार्ट भी इक्वली गुड है, यहाँ से 400 रुपए की अपसाइड मिल सकती है। बट अगेन टॉप पिक जो हम अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड कर रहे हैं वो है साइंट, 2,500 से 2,600 रुपए तक का टारगेट है और इन्फोसिस 2,000 रुपए का टारगेट है। पर टीसीएस भी इक्वली अच्छा लग रहा है। चलिए, साइंट और इन्फोसिस, ये आईटी क्षेत्र में अगर आप लोग इस समय दाव लगाना चाह रहे हैं तो ये यहाँ पर लगा सकते हैं। और अंशुल जी का मानना है कि ये सेक्टर जो है वो आगे चल के बेहतर प्रदर्शन कर सकता है। इसी के साथ बजिंग स्टॉक्स में इतना ही।